कुछ टाइम पहले एमसीसी की वेबसाइट पे एक नोटिस आया था जिसको लेके अगेन कुछ उस पर डिस्कशन चल रहा है कि इसका क्या इफेक्ट होगा, रिवाइज कट ऑफ पे एग्जैक्टली सीटें वैकेंट होंगी नहीं होंगी, तो उन्हीं चीजों पर डिस्कस करते हैं। पहले नोटिस देख लेता हूँ, फिर डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली रिवाइज कट ऑफ पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। प्लस इसमें से कुछ ऐसे भी पॉइंट्स थे जो मैं आपका ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में बता रहा था, वो क्या है उसको इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखें। अगर आपको कंटेंट सही लग रहा है, अगर आपको फेथफुल चीजें लग रही हैं, तो डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, जिससे उनको भी ये चीजें मिल सकें। क्योंकि आज के मोमेंट पे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो बहुत लिमिटेड है, और इन्फॉर्मेशन इज एवरीथिंग। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन रहेगा तभी आप चीजें डन कर पाओगे, वरना होगा क्या, जैसा आज तक होते आए आप एजेंट्स के चक्कर में आके काफी चीजें डन कर लोगे। इवन नोटिस में भी ये चीजें मेंशन है, तो उसको देखेंगे कैसे, बात करते हैं उसकी। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप पेड काउंसलिंग के लिए चीजें देख रहे हो तो उसके लिए भी हमारे स्लॉट्स अभी तक ओपन है। मॉकअप राउंड में कैसे अप्लाई करना है, कहां पे अप्लाई करना है, कितने बजट में आपको सीटें मिल सकती हैं, क्या वो अट्रैक्टिव नंबर्स रियल में वर्क करेंगे, इन चीजों के लिए आप हमसे मिल भी सकते हो। अवर ऑफिसेस आर ऑल ओवर इंडिया, बट करेंटली आई मीन महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में आके हमसे मीटिंग भी कर सकते हो। बट आने से पहले अपॉइंटमेंट जरूर ले लेना, उसके लिए आप हमें 9545-9519 पे कॉल करके डिस्कस और बाकी चीजें हम फाइनलाइज कर सकते हैं वहां पे। अब बात करते हैं नोटिस की। नोटिस में ऑलरेडी मेंशन है कि अगर आपको राउंड टू में या राउंड वन में सीटें मिली हैं तो उसको आप ज्वाइन करने के बाद आप उसको वैकेंट नहीं कर सकते। मतलब कि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने रिपोर्टिंग तो कर दी है बट अब उन्हें लग रहा है कि मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए था या मुझे ये ब्रांच नहीं चाहिए था, तो दे आर रिजाइनिंग। उसके लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ने एक डेट फिक्स किया हुआ था, एज पर द नोटिस 3rd February वाज द लास्ट डेट। अगर आपको राउंड वन में सीटें मिली हैं तो उसको लीव करने का 3rd February तो लास्ट डेट था। अगर आपने उस मोमेंट पे सीटें नहीं वैकेंट की हैं तो अब आप उसे वैकेंट नहीं कर सकते हो। एंड सेकेंड बिग पॉइंट कि यहाँ पे काफी सारे ऐसे कॉलेजेस हैं या कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट थे जहां पे पाया गया कि वो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन ले रहे थे राउंड टू के लिए, मतलब उनकी सीटें वैकेंट थी और वो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा रहे थे। इवन आपको एजेंट्स के भी ऐसे कॉल आए होंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन राउंड टू में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा के या चीजें करा के आपको सीटें डन कर देंगे। उस चीज के लिए इस नोटिस में ऑलरेडी मेंशन है, नो रजिस्ट्रेशन इज एक्सेप्टेड इन और आफ्टर राउंड टू ऑफ काउंसलिंग। मतलब कि अगर आपने राउंड टू के लिए पार्टिसिपेट किया है तो सीटें डन होंगी, वेरी गुड। इन केस अगर अभी आपको कॉल आ रहे हैं कि मैं आपका ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा दूंगा, एमसीसी में मेरा कनेक्शन है, एक्स वाई जेड चीजें अगर आपको कोई बोल रहा है, तो इट्स द टाइम कि अब आपको फोन कट कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप चीजों में आओगे तो लॉस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि एमसीसी डायरेक्टली बोली है। इवन मैं अपने वीडियोस में भी बताता था कि ऐसी चीजें पॉसिबल नहीं है। और इसके बाद में एक इसका पॉजिटिव इफेक्ट की मैं बात करूं अगर कि एग्जैक्टली क्या इफेक्ट पड़ेगा इस चीज का जो आपके रिवाइज कट ऑफ के लिए आएगा, उससे पहले मैं बता दूं कि मैं काफी टाइम से बोल रहा था, आपको राउंड वन में भी बोला था कि राउंड वन में और राउंड टू में सेम चीजें हो रही हैं, सीटें अलॉटेड एंड रिपोर्टिंग नहीं हो रहा है। मैं कॉन्टिन्यूसली आपको बता रहा हूं कि कैटेगरी के अंदर आपका 180+-15 और जनरल के अंदर 210+-15 ही आपका रिवाइज कट ऑफ होगा। लेकिन कुछ टाइम पहले भी मैंने आपको बोला था कि चांसेस हैं कि जनरल में अप टू 200 तक हो जाएगा और कैटेगरी के अंदर 175-180 तक चीजें रहेंगी। वही पॉइंट मैं आपको यहां पे क्लियर करना चाहता हूं कि एग्जैक्टली मैं क्यों बोल रहा हूं। मैं किसी एनएमसी से कनेक्टेड नहीं हूं, मैं किसी ऑफिशियल से कनेक्टेड नहीं हूं, वी आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द कैंडिडेट्स और द स्टूडेंट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द काउंसलिंग। वहां पे मैंने आपको बताया था कि वैकेंट सीट के ऊपर डिपेंड करती है आपकी रिवाइज कट ऑफ। इस नोटिस में ऑलरेडी बताया गया है कि अगर आपको राउंड वन और राउंड टू में सीटें मिल गई हैं, आपने ज्वाइन कर लिया है, तो अब आप उसको वैकेंट नहीं कर सकते हो। इस नोटिस की जरूरत क्यों पड़ी आप ये समझो। आप तो ये देख रहे हो कि नोटिस आई, सीटें वैकेंट नहीं कर सकते, बट इसका जरूरत क्यों पड़ा। यहां पे एक मेंशन किया गया है कि काफी सारे कॉलेजेस को मैसेजेस जा रहे हैं, मेल्स जा रहे हैं कि वी आर ट्राइंग टू रिजेक्ट द सीट, वी आर ट्राइंग टू लीव द सीट। कुछ टाइम पहले मैं भी अपने वीडियोस में यही बात करता था कि जिनको अलॉट हुई है वो भी सीटें वैकेंट कर रहे हैं, प्लस जिनको जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है वो भी वैकेंट कर रहे हैं। एग्जैक्टली इस नोटिस का मतलब ही यही है जो मैं आपको प्रीवियसली बता रहा था। क्योंकि मैंने बताया ना, मैं किसी ऑफिशियल से कनेक्टेड नहीं हूं या मैं कोई रूमर्स नहीं बता रहा हूं आपको कि ये होगा ऐसे होगा, मुझे इंटरनल न्यूज आए हैं, मुझे XYZ न्यूज आए हैं। मैं आपको वो चीजें बताता हूँ जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स के बीच में हो रही है। आज के मोमेंट पे एटलीस्ट 70-80 कॉल्स मुझे डेली आते हैं
फॉर दोज कैंडिडेट जिनको सीटें मिली हैं राउंड टू के अंदर बट दे आर रिजेक्टिंग द सीट, दे आर गोइंग फॉर द मॉप अप। यही कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं आपको बोलता था कि अगर आपने मॉप अप में अच्छे से चीजें नहीं की, चीजें आपने कैलकुलेटेड नहीं किया, तो होगा क्या कि आप एलिजिबल तो रहोगे लेकिन सीटें नहीं मिलेंगी आपको, एलिजिबल होने के बावजूद आपके लिए सीटें नहीं रहेंगी। रीजन मैंने आपको काफी सारे दिए हैं और इसका एक ये भी रीजन रहेगा कि जो मिड रैंकर है मतलब कि 8000 टू 20000 के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी आपके लिए कॉम्पिटिशन में रहेंगे क्योंकि अभी आप उनके साथ फाइट करोगे वन ऑन वन। तो ये सारे कुछ वैलिड पॉइंट थे जिसकी वजह से मैं बोलता था कि आप एलिजिबल तो रहोगे लेकिन सीटें नहीं रहेंगी। लोगों ने इसका क्या मीनिंग निकाला, क्या क्या कमेंट्स हैं, उसकी मैं बात नहीं करूंगा। बट हाँ, इस नोटिस से एक चीज तो जरूर क्लियर हो जाता है कि सीटें वैकेंट हो रही हैं तभी ये नोटिस की जरूरत पड़ी, वरना मुझे पता है कि आप सबको ऑलरेडी ये ऑलरेडी पता था जो कैंडिडेट्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इंफॉर्मेशन बुलेटिन में। प्लस इसके लिए एक अलग से भी नोटिस आई थी राउंड वन में, हमने देखा था कि सीटें वैकेंट थी इसी वजह से अलॉटमेंट्स रिपोर्टिंग की टाइम इंक्रीज की गई थी। जरूरत क्यों पड़ी, हाइब्रिड की चीजें क्यों पड़ी, कोविड था लास्ट ईयर भी तो कोविड था, चीजें नहीं थी लास्ट ईयर, हाइब्रिड नहीं था, इस बार हाइब्रिड का सिस्टम आया एंड उसके बावजूद आपका रिपोर्टिंग के टाइम को एक्सटेंड कर दिया गया एंड एग्जैक्टली टुमारो इज द लास्ट डेट फॉर रिपोर्टिंग। और उसके एक दिन पहले आपको ये नोटिस आती है कि अगर आपने सीटें ज्वाइन कर ली हैं तो आप वैकेंट नहीं कर सकते हो। इसका मीनिंग क्या है आप खुद सोच के देखोगे तो आपको एग्जैक्टली यही लगेगा कि सीटें वैकेंट हो रही हैं, तभी गवर्नमेंट ने ये नोटिस पब्लिश किया कि अगर आप ज्वाइन कर लिए हो, आपको अलॉटमेंट हुआ है और आपने ज्वाइन कर लिए हो, रिपोर्टिंग कर दी है, तो अभी आप नहीं छोड़ सकते हो, आप मॉपअप में नहीं इंटर कर सकते हो। इस नोटिस का ये मतलब है। इवन राउंड वन में भी यहाँ पे चीजें मेंशनड है, यही रीजंस थे, यही चीजें थी जो मैं अपने वीडियोस में बताता था आपको, बट वहां पे काफी सारे रूमर्स हैं। अभी भी लोगों का कहना है कि 240 होगा, 235 होगा, 280 होगा, 10-15% डाउन होगा। मैं अभी भी सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्यों, अगर इस नोटिस की भी मैं मान लूं कि सीटें वैकेंट आप नहीं कर सकते हो, बट ये नोटिस की जरूरत क्यों पड़ी। चलो जिन्होंने ज्वाइन किया है वो तो नहीं वैकेंट करेंगे, लेकिन उनका क्या, जिन्होंने अभी तक रिपोर्टिंग ही नहीं की है, राउंड टू में सीटें अलॉट हुई हैं लेकिन रिपोर्टिंग नहीं किया, तो वो सीटें भी तो वैकेंट में ही काउंट होंगी ना। ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं आपको कंटिन्यूअसली बोल रहा हूं कि दिस विल बी द रिवाइज कट ऑफ। अगेन मैं श्योर शॉट नहीं बोल रहा हूं, मैं दावा नहीं कर रहा हूं कि यही होगा, बट एज पर द कैलकुलेशन, एज पर द सिचुएशन गोइंग ऑन अराउंड, स्टेट की सीटें वैकेंट हो रही हैं, ऑल इंडिया की सीटें वैकेंट हो रही हैं, प्लस सीपीएस बॉडी की सीटें भी हैं एंड एनबी का डिप्लोमा आया हुआ है, डीएनबी की डिप्लोमा की जो नॉन क्लिनिकल मिड क्लिनिकल की ब्रांचेस हैं वो वैकेंट पड़ी हैं जिनको हमने राउंड में भी देखा है, अभी अलॉटमेंट हुआ है, लेकिन जितना मेरी लोगों से बात हो रही है एज पर देम दे आर लिविंग द सीट। ये सारे पॉइंट्स को अगर मैं कैलकुलेट करके अगर मैं बताऊं कितना रिवाइज कट ऑफ होगा तो दिस विल बी द रिवाइज कट ऑफ। बट एग्जैक्टली अभी से 4-5 days के अंदर चीजें क्लियर हो जाएंगी। होपफुली अगर ऑल इंडिया का जो लेटेस्ट शेड्यूल है उसकी मान के चलूं मैं तो 28-1 March के बीच में आपका रिवाइज कट ऑफ आपको पब्लिश कर दिया जाएगा एंड दैट विल बी द टाइम, दैट विल द मोमेंट कि आपको कैसे कहां अप्लाई करना है, किसके साथ मूव ऑन करना है, वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। क्योंकि होगा क्या, ऐसा हमने हर साल देखा है, इवन अगर आप सीनियर जूनियर्स और बाकी लोगों से कनेक्ट करोगे तो वो भी आपको यही बताएंगे कि अगर आप किसी अननोन पर्सन के साथ या किसी ट्रस्टफुल पर्सन के साथ प्रोसेस नहीं करते हो तो आप एलिजिबिलिटी के बाद सीट तो गवाओगे ही, मौका गवाओगे, बट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका एक ईयर भी बर्बाद होगा एज वेल एज आप जो अमाउंट कहीं भी सबमिट करोगे वो भी लॉस हो जाएगा। क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज है कि लैक्स ऑफ रुपीज ऐसे ही कहीं सबमिट किए जाते हैं और वो फिर आपको नहीं दिया जाता है या सीटें ही नहीं अलॉट होती हैं इवन मनी सबमिट करने के बाद भी। तो इन चीजों से आपको बच के रहना पड़ेगा। प्लस जो आपको अट्रैक्टिव नंबर्स कॉन्टिन्यूसली आ रहे हैं उन चीजों को मैं नहीं बोल रहा हूं कि वो टोटली फेक है, मैं नहीं बोल रहा हूं वो टोटली 100% करेक्ट है। किसी भी नंबर पे, किसी भी पर्सन के ऊपर मैं नहीं बोल रहा हूं, अगेन मैं नहीं बोल रहा हूं आज तक किसी भी वीडियो में, अभी भी मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरे साथ ही प्रोसेस करो या एजेंट के साथ प्रोसेस मत करो। आपको अगर सामने वाला पर्सन ट्रस्टफुल लगता है, आप ऑलरेडी डॉक्टर हो, आप चीजों को जज कर सकते हो, अगर आपको सामने वाला पर्सन सही लगता है तभी आप मूव ऑन करो, वरना एक रुपया भी रुपया होता है उसको आप ध्यान से रखो। बाकी डिपेंड्स अपॉन यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।